Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुलायम सिंह के पुत्र और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान ग्रहण करने वाले हैं। इसके लिए अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में आज पद्म पुरस्कारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव मिले पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलायम सिंह यादव को मिला सम्मान उनके बेटे अखिलेश यादव को सौंपेंगी। 106 लोगों को मिला था पद्म पुरस्कार। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की सूची जारी की गई, जिसमें 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और इस लिस्ट में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल थे। इस बार 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं और सूची में विदेशियों एनआरआई पीईआईओ ओएसआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी शामिल थे। लोक कार्यों के लिए मिला था पद्म विभूषण। इस साल दिवंगत समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, संगीतकार जाकिर हुसैन, दिवंगत दिलीप महाबलनोबिस, एमएस कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन और दिवंगत बालकृष्ण दोषी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे। इस साल अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। लोक कार्यों के लिए उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि जब पद्म विभूषण सम्मान से जब मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध भी किया गया था कि वो उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये अवार्ड नहीं था बल्कि उनके लिए भारत रत्न जैसा अवार्ड था और इसको लेकर तमाम तरीके के हंगामे भी हुए थे। लेकिन इस बीच अब इस अवार्ड को लेने के लिए, यानी कि पद्म विभूषण जो मुलायम सिंह यादव को लिस्ट में नाम आया था उसको लेने के लिए अखिलेश यादव जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और आज अपने पिता के इस पद्म विभूषण सम्मान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों जो है वो कहने के उस सम्मान को प्राप्त करेंगे। तो बड़ी खबर थी, इस मामले से जुड़ा मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी अपडेट कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।